नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमय मेहता। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़ की। जैसे कि कल हमने आपको रिपोर्ट में भी दिखाया था, दो युवक थे, एक युवती और युवक में कोरोना की पुष्टि हुई थी। इस समय हम सत्ती मोहल्ले में हैं, जहां पर युवती की कोरोना की पुष्टि हुई थी। अब आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वह उसके घर को सैनिटाइज करने के लिए पहुंच गई है और हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जा रहा है। जो जौन सी स्ट्रीट में रहती थी, जौन सी लेन में वो रहती थी, उस पूरी लेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को स्वास्थ्य विभाग की टीम सैनिटाइज कर रही है, और ये पता लगाने में भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है कि वो अब तक किस किस के कॉन्टैक्ट में आई है। जब दिल्ली से वो आई थी यहाँ पे, तो किन किन लोगों से वो मिली थी और किन किन के कॉन्टैक्ट में आई थी, उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा जब उनका पता लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ को सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी। आप बंदे मंगा कर अपना कोरोना का काम करा रहे तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम चलोगे प्रशासन के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं प्रशासन द्वारा अब बल्लियां लगाकर पूरी गली को बंद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो कार्य है, अब पूरी गली को हम बता रहे हैं कि सील कर दिया जाएगा। इसके जो कह रहे हैं कि गली के जो रास्ते हैं, पांच रास्ते हैं, उन सभी पांच रास्तों को भी सीज किया जाएगा। जैसे कि हम बता दें, सत्ती मोहल्ले में जो कुछ लोग हैं अपने घर के बाहर खुद ही जो बैरिकेडिंग सी लगा रहे हैं, क्यों, जिससे कि जो बाहर का व्यक्ति है गली के अंदर ना आ पाए। कहीं ना कहीं लोग बाग भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जागरूक हो गए हैं, और जागरूक होना सबको चाहिए क्योंकि जो सेफ्टी है वो सब हमारे हाथ में ही है। आप देख सकते हैं कि पूरी लेन को जो है वो बाहर से कवर कर दिया गया है एक रोप के मारकर। तो आप ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता तो आ गई है इस चीज़ को लेकर। तो आइए हम यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बात करते हैं। सर, आपने खुद ही बैरिकेडिंग से लगा लिए पहली बार, तो अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे। आपने खुद अपनी सेफ्टी के लिए लगा रहे जाकर बाहर का कोई आदमी ना आए। ये तो टोनी के लोगों का यह आरोप है कि कुछ लोग जो हैं अपने घरों के बाद खुद ही बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, जिसमें उन्हें आने जाने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम सत्ती मोहल्ले में हैं, जहाँ पे युवती के कोरोना की पुष्टि हुई है। वहाँ के गली के जो लोग हैं वो थोड़ा इस चीज़ को बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम है पूरी गली को सैनिटाइज नहीं कर रही है, आधी गली को सैनिटाइज कर रही है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके बारे में जो गली के लोग हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है सिर्फ उसके घर तक के सैनिटाइजर हो जाए। हम गली में अब ये कॉर्नर पर रोक दिया गया है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। घर जाने के बाद उसके घर के आगे तक के सैनिटाइजर कर दिया जाए, प्लीज़ हमसे रिक्वेस्ट है हमारी। तो जानते हैं यहाँ के गली के जो लोग हैं उनका कहना है। सर, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, ये जो लोग हैं इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, जब से आए हुए थे अपने घर में बंद थे और किसी से नहीं मिले ये लोग, किसी से भी, गली के एक आदमी से भी। और जब इनके पास इन्फॉर्मेशन आई प्रशासन की कि टेस्ट कराओ, तो टेस्ट कराने चले गए, तो आके फिर अपने घर में आ गए। और गली के किसी एक आदमी से जब से ये 14 तारीख से आए हुए हैं किसी से इनका कोई संपर्क नहीं है। और नहीं जी, तो आपकी क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग है कि जैसे ये उल्टे सीधे तरीके से बंद कर रहे हैं ना, पब्लिक खुद SDM साहब का नाम लेकर, कोई क्या नाम है DM का नाम लेकर, कोई SSP का नाम लेकर, कोई कहीं बैरियर लगा रहा, कोई कहीं बैरियर लगा रहा। पार्षद लोग जो हमारे ये नहीं पता चल रहा इस मोहल्ले का पार्षद कौन सा और दूसरे मोहल्ले का कौन सा, आ रहे फोटो खिंचवा रहे और जा रहे,
सिर्फ फोटो खिंचवाने तक मतलब, और अदरवाइज हमारे साथ हैं सिविल लाइन कोतवाली के SSI प्रदीप कुमार जी, आज उनसे हम जानते हैं। सर अभी आप यहाँ पे बैरिकेडिंग्स लगाने के लिए आए थे, तो क्या था पूरा मामला? अभी यहाँ प्रशासन के कुछ लोग आए हैं, कल एक लड़की यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाई गई है सती मोहल्ले में निकट इंदिरा पार्क, तो इस बैरिकेडिंग को लेकर कुछ स्थानीय लोगों में रोष था, उनको समझा दिया गया है और बल्ली लगा के जो है इस मोहल्ले को सील किया जा रहा है। पार्षद से हमने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह प्रशासन का काम है, आप प्रशासन को सहयोग करें, इसमें राजनीति बिल्कुल ना करें।